हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गायुरानी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और गेहूं के आटे से बना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप बना करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको 4 से 5 उबले हुए आलू ले लेने हैं। आलू को अच्छी तरीके से आपको पोटैटो मैशर से मिक्स कर देना है, या फिर आप हाथों की सहायता से भी आलू को अच्छे से मिक्स कर सकते हो। आलू को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इनमें एक भी लम्स ना रहे। जैसे ही आलू आपके अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अब हम इनमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में हमने डाला यहाँ पर आधी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच से कम कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच से कम भुना हुआ जीरा पाउडर। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच ओरिगैनो डाला है, जिससे कि इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही मैंने आधी छोटी चम्मच से कम कलौंजी, आधी छोटी चम्मच नमक, बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप इसमें 1 चम्मच चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हो। तो इन्हें डाल करके अच्छी तरीके से आलूओं के साथ मिक्स कर देना है। इन्हें मिक्स करने में 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे हम बिना पानी डाले हुए। मिक्स करने के बाद ऊपर से 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डाल करके मिश्रण में अच्छी तरीके से अपने हाथों से इसे मिक्स करके इसे आपको गूंथ लेना है। बिल्कुल चिकना आटे की तरह आपको इसे गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आटे की लोई तैयार कर ली है, इसे अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इसे एक किचन प्लेटफॉर्म पे लेंगे और अपने हाथों से मसल मसल के चिकना करेंगे और इस तरीके से लंबे शेप में कर लेंगे। और चाकू की सहायता से हम इसे कट करेंगे। तो छोटे छोटे से पीसेस में हम इन्हें कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसे अपने हाथों से घुमा करके एक गोल गोल गोला बना लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बन के नाश्ता तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों के लंच में फटाफट बना सकते हो, या फिर आप इसे शाम के स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हो। तो एक गोला को हमें यहाँ पर लेना है, हाथों से हल्का हल्का हम फैला लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आपको एकदम हल्के हल्के हाथों से इसे काम करना है। तो ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, बेलन की सहायता से हम इसे बेलेंगे। बेलते वक्त आप एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको एकदम हल्के हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाती है। तो आपको इसे हल्के हल्के हाथों से हल्का सा फैला करके बेल लेना है। ध्यान रखें ज़्यादा पतला ना बेलें, हल्का मोटा ही बेलें। ज़्यादा पतला करेंगे तो ये बीच से टूट जाएगी, फिर आपको फिर से बेलना पड़ेगा। तो हल्का मोटा हम इसे बेल लेंगे और इस तरीके से कोई भी आपको कटोरी या फिर दवाई के ढक्कन वाला ऐसे चीज़ ले लेना है। तो इस तरीके से हम इसे दबा दबा करके काटेंगे और इसे काजू का शेप देंगे हम। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो आपका जो काम है बहुत ही आसानी हो जाता है। बस एक बार आपको बेल लेना है और इस तरीके से कटर की सहायता से आपको इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करते हुए जाना है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही स्लो करके आराम आराम से दिखाया है कि किस तरीके से आप काट सकते हो। इसी तरीके से सारे शेप्स को हम बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो आपके जो आलू और गेहूं के आटे का स्नैक्स से बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता भी है, प्लस खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही साथ ये हेल्दी भी है। तो आप इसे फटाफट बना करके बच्चों के लंच बॉक्स में, या फिर आप इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में बना सकते हो, या फिर घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तब भी आप इसे बना करके फटाफट से सर्व कर सकते हो। इन्हें फ्राई करने के लिए आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए आपकी। और इन सभी को एक एक करके तेल में मैंने यहाँ पर डाल दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे कि ये बाहर और अंदर दोनों अच्छे से सिक जाएगी। फ्रेंड्स, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाने में काफ़ी आसान है, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो जब तक ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए, आप इसे ना निकालें। यहाँ पर इसका कलर आप देख सकते हो, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को एकदम ही लो करके आपको इसे अच्छे से तेल निकाल करके निकाल लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से बाकी सारे बचे स्नैक्स को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे स्नैक्स को फ्राई कर लिया है। ये बाहर से एकदम कुरकुरी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है। यहाँ पर मैं आपको इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी लग रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अंदर से कितनी फ्लफी बनी, एकदम सॉफ्ट, बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आप इसे आज ही ट्राई करें और कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर करें। आप इसे किसी भी चटनी के साथ या फिर आप इसे नॉर्मली सॉस के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।